होवेगा कि किसी खुले मैदान जां खेत विच जमीन दे उपर वाली हवा झिलमिल हो रही है जिवें कि गर्म हवा उपर उठ रही होवे। आओ आपां इक किरिया द्वारा इस दा कारण वेखिए। एक कच दी परख नली लो, इस विच दो चम्मच मिट्टी पाओ, इस नू कुछ समय तक किसे लाट ते गरम करो। गरम करन ते मिट्टी विच्चों पानी वाष्पित होके उपर उठता है अते परख नली दे उपरले भाग दी अंदरली दीवार ते पानी दियां कुछ बूंदा विखाई देनगियां। यही कारण है कि सूरज दी गर्मी कारण पानी दे वाष्पीकरण होण ते मिट्टी दे उपर वाली हवा सानू झिलमिल दिसदी है। मिट्टी नू गर्म करन तो बाद उस नू उबालन नली तो बाहर कढ लो। इस दी तुलना विच तुलना हुण उस मिट्टी नाल भी कर सकदे हां जिस नू गर्म ना कीता गया होवे। बच्चो, ए मिट्टी विच नमी दा कारण सी। हुण आपां मिट्टी द्वारा पानी दे सोखण दी विधि नू देखिए। प्लास्टिक दी एक कीफ लाओ, फिल्टर पेपर जां अखबार दे टुकड़े नू कीफ दे आकार दा बना के उस विच ला दियो। किसी भी मिट्टी दे खुश्क पाउडर दा 50 ग्राम तोल के उस नू कीफ विच लाए फिल्टर पेपर विच पाओ। मापक सिलेंडर विच पानी लै के उस दे माप नू नोट करो। हुण इस विच्चों पानी नू बूंद बूंद करके कीफ विच रखी मिट्टी विच पाओ। पानी पौना उदों तक जारी रखो जदों तक ओ रिस के कीफ तो हेठां डिगना शुरू ना कर देवे। मापक सिलेंडर विच बचे पानी नू माप के उस नू शुरू दे माप विच्चों कटा लो। इस नाल आपां नू मिट्टी द्वारा धारण कीते गए पानी दा आयतन पता लग जावेगा। इस किरिया नू मिट्टी दे वख वख नमूनियां विच वी करके वेख सकदे हां अते मिट्टी दी सोखण शक्ति नू पता कर सकदे हां।